करते हैं इंदौर की, जहां एक युवक ने अपने दोस्त की पत्नी के गाल पर हाथ फेर दिया था। इस हरकत से दोस्त नाराज हो गया तो युवक ने चाकू से हमला कर दिया, उसकी ताले से आंख फोड़ दी। घटना एरोड्रम इलाके के लक्ष्मणपुरा की है। महिला के पति ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। लक्ष्मणपुरा के लक्की ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1.5 माह पहले नाराज होकर मायके चली गई थी। काफी दिनों से वह पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे तैसे शनिवार को उसकी पत्नी घर आई। लक्की बिल्डिंग के नीचे अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तभी दोस्त अजय त्रिपाठी भी वहां आ गया था। अजय के साथ उसका दोस्त चीना ठाकुर भी था। बातचीत के दौरान अजय भी लक्की की पत्नी को समझाने लगा, तभी चीना ने लक्की की पत्नी के गाल पर हाथ रख दिया था। चीना की इस हरकत से लक्की नाराज हो गया और तीनों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि अजय और चीना ने लक्की की जमकर पिटाई कर दी थी। जमीन पर लेटाकर उसके गले पर चाकू से 2 वार कर भाग गए थे। हाथ आए ताले से आंख पर भी वार किया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों में एक हिस्ट्री सीटर भी है। लक्की के मुताबिक चीना आवर्तन अपराधी है, उस पर लूट और मारपीट के केस भी दर्ज है। कुछ दिन पहले ही वह जेल से छूट कर आया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है।